हेलो गाइस, वेलकम टू क्लाट पॉइंट। माय नेम इज अनमोल साई। आई गॉट अ रैंक ऑफ 39 इन क्लाट 2022। सो आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो है द फाइव मिस्टेक्स दैट आई मेड इन द लास्ट मंथ। ठीक है, जो मैंने मिस्टेक्स की थी 2021 में। ठीक है, जब मेरी रैंक 314 थी एंड इस साल 39 है, राइट? तो कुछ तो डिफरेंसेस थे, ठीक है, एंड कुछ कुछ चीजों पर मैंने काम किया था। तो उस पे आई गेस इफ यू ऑल्सो वर्क देन आई गेस उसमें आपकी भी रैंक एंड स्कोर अच्छी हो जाएगी, राइट? ठीक है, इट्स कम। द फर्स्ट थिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग रिवीजन। इस टाइम पे ऐसा होता है ना कि अपन बहुत कुछ सॉल्व कर लेते हैं, बहुत कुछ नया पढ़ लेते हैं, राइट? बहुत कुछ पढ़ते भी आ रहे, राइट? बट पॉइंट ये है कि अगर अपन उसको रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगी, राइट? क्योंकि उसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर रिटेन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? एग्जाम में, एग्जाम दिस एग्जाम नीड्स सम काइंड ऑफ रिवीजन एंड रिटेंशन आल्सो, बिकॉज स्पेसिफिकली जीके देन मैथ्स के फॉर्मूलाज एंड द सर्कल मार्क क्वेश्चंस, सीआर की थ्योरी, लीगल में जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सबको कम से कम ध्यान से फिर से देखना होगा, फिर से रिवाइज करना होगा, राइट? तो अगर अपन प्रोक्रेस्टिनेट करें कि यार रिवाइज ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो? तो लास्ट लास्ट पॉइंट पे सब खिचड़ी हो जाएगा एंड यू कांट रिवाइज ऑल ऑल एट अ टाइम, ठीक है? तो माय फर्स्ट एडवाइस वुड बी टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन एंड डूइंग, ठीक है? नया चीज भी पढ़ो, बट इफ यू आर स्टार्टिंग 8 आवर्स, आई वुड कंसिडर कि 50% कम से कम रिविजन को दो, ठीक है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट, टेकिंग टू मेनी मॉक्स विदाउट एनालाइजिंग देम। इस टाइम पे आई वुड से 2 मॉक्स शुड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम शुड बी 3 मॉक्स। सी, एंड द मिनिमम इज फॉर एवरीवन, यू शुड डू एटलीस्ट 3 मॉक्स। यू शुड टेक डाउन 2 मॉक्स, बट 3 मॉक्स उनके लिए है जिनकी स्कोर अभी 100 110 आ रही है, एंड यू कैन गो टू 3 मॉक्स, बट मोर देन 3 मॉक्स इज नॉट एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज इफ यू विल गिव मॉक्स, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 6 डेज, ठीक है, कंसिडर 6 डेज, ठीक है, 7 डे पे मस्ती कर लो, कुछ भी कर लो, 6 दिन में 3 दिन मॉक दो, 3 दिन एनालाइज करो, आई वुड से दैट इज द मैक्सिमम। बिकॉज अगर 4 दिन दोगे फिर तुम एनालाइज कब करोगे, ठीक है? इफ यू आर आई ऑलवेज टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम क्रिकेट, ठीक है, इफ यू आर प्लेइंग एवरी डे, इफ यू आर प्लेइंग एवरी मैच, ठीक है, तो नेट प्रैक्टिस कब करोगे, राइट? तो इसीलिए बिना एनालाइज किए बस मॉक्स लिख रहे हो, दैट इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है? 2 से 3 मॉक लिखो अभी फिलहाल, उससे उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचो, दैट विल बी बेटर, ठीक है? थर्ड, फोमो, व्हिच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। आई विल गिव यू एग्जांपल, ठीक है? यू यू कॉल योर फ्रेंड, कैसा तूने कौन से टॉपिक्स किए, एक और दोस्त को कॉल के तूने कौन से टॉपिक्स किए, उसने कोई एक्स वाई जी टॉपिक लिया, इसने कोई एबीसी टॉपिक लिया, ठीक है? तो तुमको ऊपर लगता है कि मैंने ये कवर नहीं किया तो मुझे भी कवर करना चाहिए। देखो एक चीज समझो, उन्होंने क्लैट नहीं लिखा, ठीक है, तो उन्हें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि मतलब क्लैट पे क्या पूछेंगे। तो जस्ट माई वन एडवाइस विल बी कि यार अपने जो नोट्स हैं, अपने जो आपने जो प्रिपेयर आप जो कर रहे हो, ठीक है, उस पर ज्यादा भरोसा रखो, ठीक है? दूसरा क्या कर रहा है उस पर नहीं ध्यान मत दो, ठीक है? अगेन प्लीज, एंड फोमो, देखो ये होता है ना, अपन सोचते हैं मोर मटेरियल्स एंड सोर्सेस मीन मोर मार्क्स, प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस विल फेच मोर पॉजिटिव्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है, द लेसर इज मोर, ठीक है? जितना कम करोगे उतना ज्यादा है, ठीक है? कम इन द सेंस कि उतना भी नहीं कम कि 50 क्वेश्चन कर रहे हो, हर टॉपिक से 200 200 मतलब क्वेश्चन लगा लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स, ठीक है, मैथ्स का कोई एक चैप्टर उठाओ, टाइम एंड वर्क, ठीक है, उसके 100 क्वेश्चन लगाओ एंड उसको अच्छे से करो। सीआर में कोई मतलब टॉपिक है तो उसको 50 100 क्वेश्चन लगाओ, उसको अच्छे से करो। अगर टाइम बच गया, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग कि टाइम बच गया एंड यू हैव एक्स्ट्रा टाइम टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चन को फिर से लगा लो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हें लगे होंगे उस टाइम उसे फिर से लगा लो, ठीक है? दैट विल बी बेटर, क्योंकि वो ज्यादा याद रहता है, ठीक है? तो क्यों बोला जाता था अपन क्लास 10 में कि एनसीईआरटी को तो उसे 3 बार बनाओ, ठीक है? इसीलिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसी को तुम ज्यादा पढ़ोगे तो टॉपिक्स पे जो पकड़ है वो ज्यादा अच्छी मजबूत होगी, ठीक है? इसीलिए ज्यादा मटेरियल्स में मत भागो, ठीक है? एंड क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है? कम कम प्रैक्टिस करो बट एनालाइज करके अच्छे से उससे लर्निंग्स लेके प्रैक्टिस करो, ठीक है? ये थी थर्ड। चौथा,
डिमोटिवेशन बाय पियर स्कोर्स। ठीक है, आपकी स्कोर अभी 60 है, आपकी दोस्त की 100 है। ठीक है, आपको लगेगा कि यार दोनों तो क्लास 10th में सेम पढ़ाई की थी, क्लास 12th में सेम पढ़ाई की थी, उसको ज्यादा आ रहा है, मुझे कम आ रहा है। देखो सबकी जर्नीज अलग होती हैं। ठीक है, मेरी भी जब लास्ट आई गेस जब 30 डेज बचे थे, मुझे भी कुछ 70s में आ रहे थे स्कोर। ठीक है, और मेरे दोस्तों को भी 80s, 90s, 100, 120s तक आ रहे थे। ठीक है, तो वही चीज है कि इफ यू वर्क कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी, ठीक है, खुद से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो आप, ठीक है, एंड अपनी प्रिपरेशन में भरोसा कर रहे हो, तो आपका जर्नी अलग होगा। ठीक है, उसका अगर स्कोर एक सर्टेन मार्जिन से बढ़ रहा है, आपका स्कोर हो सकता है ज्यादा बड़ा मार्जिन से बढ़े। ठीक है, एंड डिपेंड करता है, हर चीज पे डिपेंड करता है कि कैसे प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कैसे प्रिपरेशन वो कर रहा है। तो दोस्तों के स्कोर से डिमोटिवेट हो गए तो दिक्कत होगा। ठीक है, आप अपने को ही ले ले, पक्का हार जाओगे आप। ठीक है, एंड दूसरा आपके दोस्त को फिर दोस्त का स्कोर से फिर आपको डिमोटिवेशन होगा, दिक्कत तो आपको ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए डिमोटिवेट मत हो। ठीक है, एंड जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। ठीक है, ज्यादा अपने पे ध्यान दो। ठीक है, दोस्तों से बात करो, यू कैन ऑलवेज गो फॉर ग्रुप लर्निंग, पीयर टू पीयर लर्निंग विच वी कॉल। ठीक है, बट अपने में ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, इंडिविजुअल ध्यान दोगे तो ज्यादा अपना स्कोर भी इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखेगा। ठीक है, द मोर यू फोकस ऑन अदर्स, द लेसर यू फोकस ऑन योरसेल्फ, राइट? तो इसीलिए अपने में ज्यादा। ठीक है, नॉट नॉट आइडेंटिफाइंग योर वीकेस्ट सेक्शन। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ वन। या नॉट आइडेंटिफाइंग योर वीकेस्ट सेक्शन, देखो अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो आप, ठीक है, 8 से 12, 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर इसका मैक्सिमम टाइम अपने वीक सेक्शन को नहीं देते हो, शायद बहुत लोगों की वीकेस्ट नहीं होगी, वीकर सेक्शंस होंगी, तो शायद 2 सेक्शन वीक होंगी। ठीक है, सपोज मेरे लिए, मैं मान लेता हूँ CR लीगल, ठीक है, 2 सेक्शन कम वीक है, मतलब वीक है, राइट? और मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है मैथ्स, GK। तो इस पे मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि इस पे कम टाइम देके मुझे ज्यादा नंबर लेके आना है, एंड इस पे ज्यादा टाइम देके ज्यादा नंबर लेके आना, दैट इज द होल स्ट्रैटेजी। एक चीज समझो, वीक सेक्शन क्यों है, क्योंकि इट टेक्स मोर टाइम, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। आप उसको 10 बार पढ़ोगे शायद हो जाए। स्ट्रॉन्ग सेक्शन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इसीलिए क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, समझ रहे हो? तो वही चीज है, आइडेंटिफाई करो। कैसे आइडेंटिफाई करना है, बाय एनालाइजिंग द लास्ट 5, 6 मॉक्स, 7 मॉक्स, एक ही बार बैठो, सारे सेक्शन को एनालाइज करो 2-3 दिन। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वीक सेक्शन था, कौन सा वीक सेक्शन में भी कौन सा वीक एरियाज है, उन पे काम करो। ठीक है, अगले 10 से 15 दिन। ठीक है, लास्ट एक बोनस टिप, ओनली इंप्लीमेंटिंग विदाउट प्लानिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हम्बल सजेशन होगा मेरा कि यार जब भी अपना डेली स्केड्यूल आपका खत्म हो गया आज, ठीक है, रात में 10 मिनट निकालो, 10 मिनट बस ये देखो कि आज अपन ने क्या क्या किया, आज अपन ने क्या क्या सही किया, कौन सा गलतियां की। ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन की प्लानिंग करो, कैसे, बस आज की जो लेफ्ट ओवर चीजें हैं उसको यहाँ पे डाल लो, एंड कुछ नए चीजें डाल लो। ठीक है, एंड फिर से ये कर लिया, फिर अगला दिन बीता, नेक्स्ट डे फिर से आप एनालाइज करो कि आज क्या क्या गलतियां की, गलतियों को ही सुधारना है, एंड फिर से वो जो गलतियों को अगले दिन सही करना है, एंड कुछ नए चीजें सही करना है। ठीक है, गलतियों से सीखो, एंड बस इम्प्लीमेंट मत करते चलो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस बोलना बोलने से नहीं होता। ठीक है, प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए प्लान अपने आप अपना लाइफ को करो। ठीक है, लाइफ भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट नॉट दिस एडवाइस इज नॉट फॉर क्लैट ओनली। ठीक है, अपने लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कुछ भी करो आप प्लान के साथ करो। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हैपजर्ड होगा, बहुत ज्यादा रैंडमली कुछ भी कर रहे होगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग करो डेली, एंड 10 से 15 मिनट लगता है यार, तो आई गेस हो जाना चाहिए। ठीक है, और कैसे कैसे आप टाइम डिवोट करने वाले हो, ऐसे मत लिखना कि प्लानिंग मतलब कि यार 6:10 पे मैं उठूंगा, एंड 6:20 पे नहा के रेडी हो जाऊंगा, या 6:30 में पढ़ने बैठ जाऊंगा, वो सब मत करना। ठीक है, जस्ट ब्रीफ रखना कि अच्छा 2 से 3 घंटे मुझे ये सब्जेक्ट्स को देना है, 2 से 3 घंटे ये देखना है, मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ, बस आप सब्जेक्ट्स लिखो कि ये करना है, एंड मोटा मोटी अपने दिमाग में रख लो कि अच्छा इतना है, इसमें इतना टाइम लगने वाला, इसमें इतना टाइम लगने वाला, बस इतना रैंडमली, बस थोड़ा सा एक ब्रीफ स्केच करो, एग्जैक्टली पूरा ड्रॉइंग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। आई गेस ये 6 टिप्स, एक बोनस टिप था, तो 6 टिप्स, 6 मिस्टेक जो मैंने की थी, आप उस पे काम करोगे। ठीक है, मैंने इस पे काम किया था ड्रॉप ईयर में, इसीलिए इस बार अच्छा आया, राइट? तो इस पे काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है।
एंड लास्ट मंथ में ये गलतियां अपन सब सब करते हैं, तो इसीलिए इस पे ध्यान दो एंड भीड़ के पीछे पीछे मत भागो, ठीक है? अपना रास्ता खुद चुनो, ठीक है? चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू, विल मीट नेक्स्ट टाइम, चलो बाय, थैंक यू।